यह नवरात्रि सिर्फ 9 दिन की ही क्यों होती है, 8 या 10 दिन की क्यों नहीं होती? और तो और, क्या आपको पता है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो गूगल, अमेजोन और फेसबुक इन तीनों का बाप है? और एक ऐसा फैक्ट जिसको सुन के आपको हमारे देश के ऊपर गर्व होगा, आपको प्राउड फील होगा। तो ऐसे ही सारे अमेजिंग से फैक्ट जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो फिर वीडियो को देखो एंड तक। देखो हाँ, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन मैंने एक छोटा सा वीडियो भी पोस्ट किया था कि बीमार पड़ गया था और उसकी वजह से मतलब हालत पूरी ख़राब थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और बहुत बुरी आवाज़ थी, तो फिर उसी के चलते वीडियोस नहीं आ पाए थे। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर अब से रेगुलर वीडियो आएंगे, एक के बाद एक आएंगे, सब शेड्यूल करके रखे हैं, ठीक है? बहुत नए नए फैक्ट जानने को मिलने वाले हैं, तो फिर देखते रहो वीडियो को। दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल, तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सुना होगा कि 3 स्टार होटल हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही असली 7 स्टार होटल है, और वो है दुबई में स्थित बुर्ज अल अरब। तो पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक असली मायने में 7 स्टार होटल माना जाता है, बाकी जो दूसरे है वो मतलब नकली है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। पंजा लड़ाई से एरोप्लेन का केस सॉल्व हो गया, भाई साहब क्या बात है। तो साल 1992 में दो बहुत बड़ी एरोप्लेन कंपनी के सीईओ के साथ लड़ाई हो गई एक दूसरे के साथ, ठीक है। लड़ाई का मामला यह था कि प्लेन स्मार्ट जो टैगलाइन है तो वो दोनों में से कौन यूज करेगा। तो जनरली ऐसे मामलों को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसमें केस लड़ने के बाद जो जीतता है वो यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही अजीब सा बच्चों वाला खेल रचनाया, भाई उन लोगों ने क्या किया मालूम है कि दोनों पंजा लड़ाएंगे, भाई जो जीतेगा वो केस जीत गया, वो प्लान स्मार्ट वाला टैगलाइन यूज कर सकता है, भाई वाह क्या बात। ये लड़ाई थी कि मजाक था है? आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन ये जो बेबी होता है ना, छोटा सा बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तो पेट के अंदर ही थम्स बना सकता है, थम्स अप बना सकता है, ऐसा करके। अब मैंने बोला था कि आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन ये एक फैक्ट है, मजाक नहीं है, ये सच्ची बोल रहा हूँ, कर सकते हैं ऐसा, सच्ची। हाथी का होटल, देखो चौंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रीलंका के अंदर कुंभुक रिवर रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट है, मतलब होटल है, ठीक है, और वो हाथी की शेप का बना हुआ है। लेकिन ये तो फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट ये है कि उसका जो एंट्रेंस है, मतलब उस होटल के अंदर जो घुसने का होता है, तो वो हाथी के ठीक है वहाँ से घुसना होता है। जाना चाहोगे इस होटल में हैं, लेकिन आपको पिछवाड़े से घुसना पड़ेगा। तो एरिज़ोना में एक टाउन है, मतलब एक शहर है, जिसका नाम है नथिंग, लिटरली इसका नाम है नथिंग, और ये नाम बहुत ज़्यादा सूट करता है इसके ऊपर, क्योंकि उस शहर में कोई नहीं रहता, नथिंग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको शहर क्यों बोलते हैं, रेगिस्तान घोषित क्यों नहीं कर देते। दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोथ होने वाला पेड़, वो एक पेड़ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। देखो सच जान के जूते मत मारना, पहले ही बोल रहा हूँ। तो ये जो पेड़ होता है ना, वो एक दिन के अंदर 91 यानी कि 91 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, मतलब इतना लंबा ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। और ये बाकी नॉर्मल पेड़ों के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और वो पेड़ नहीं, वो बाम्बू है, वांस जो बोलते हैं ना, तो वो है, ठीक है। ये जो एप्पल कंपनी है वो अमेजोन, गूगल और फेसबुक इन सब का बाप है, कैसे? अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो कितना कमाती है, तो आप 2013 की इस रिपोर्ट से लगा सकते हो कि 2013 के पहले क्वार्टर में यानी कि पहले 4 महीनों के अंदर एप्पल कंपनी ने $43.7 बिलियन कमाई की थी, मतलब इतने ज्यादा पैसे कमाए थे कि उसी साल के फेसबुक, गूगल और अमेजोन इन तीनों के रेवेन्यू को मिला दिया जाए फिर भी ज्यादा होता है, तो फिर हुआ ना इन सब का बाप कमाई के मामले में। एक सिंपल सा लेकिन आपको प्राउड फील करवाने वाला ये फैक्ट, जो कि आपको हमारे भारत देश के ऊपर प्राउड फील करवाएगा, कि पूरी दुनिया का 70% जो मसाले होते हैं वो इंडिया यानी कि हमारा भारत देश एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया हमारे भारत देश की वजह से ही स्वाद ले रही है ना। अगर हम सबको मसाला देना बंद कर दें, एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो पूरी दुनिया फीका खाना खाएगी, तो फिर प्राउड करो कि भाई भारत देश की वजह से सब लोग स्वाद का मजा ले रहे हैं। मोबाइल में घुस के मतलब ऐसे चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब क्या हो कि अगर एक ऐसा स्पेशल रोड बना दिया जाए जिसमें वो लोग चल सके जो कि सिर्फ मोबाइल में घुस के चलते रहते हैं, ठीक है, रोड के ऊपर। लेकिन भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, तो लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर एक चोंगकिंग नाम का शहर है, और वहाँ पे स्पेशली एक ऐसा लेन बनाया गया है जो कि सिर्फ
मोबाइल में घुस के जो चलते हैं ना, वही लोग चल सकते हैं उसके ऊपर। तो फिर आपको भी अगर ये टेव है कि मोबाइल में घुस के चलने का है, तो फिर वहाँ पे जाओ और उस रोड के ऊपर चलते रहो, बस हो जाएगा। ये सफ़ेद स्टैचू भी कभी रंगीन हुआ करते थे। अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये पहले ही से सफ़ेद थे, तो भाई आप बहुत बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो आप ये जो ग्रीक स्टैचूस देखते हो, इनमें भी कभी रंग थे, ये भी रंगीन हुआ करते थे, लेकिन सनलाइट के गिरते रहने की वजह से उनका जो रंग जो है वो निकल गया और ये सफ़ेद हो गए अभी के टाइम पर। वो सफ़ेद भी नहीं, अभी गंदे भी हो गए शायद। अब लास्ट में जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि नवरात्रि जो होती है वो नौ रात की क्यों होती है, मतलब आठ रात या फिर दस ग्यारह बारह ऐसे, मतलब पाँच छः सात ऐसा क्यों नहीं होता, तो आज मैं उसका रीज़न बताने वाला हूँ। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार पुराने समय में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर, और उसको वरदान था कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, लिटरली कोई भी देवदानव नहीं मार सकता, ठीक है। तो फिर उसको मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन भगवान ने मिलकर ब्रह्मा का सृजन किया जिसका नाम था शक्ति, और उन सब ने मिलकर अपने अपने हथियार दिए। उसके बाद माँ शक्ति और महिषासुर का नौ दिनों तक युद्ध चला, उसी को डेडिकेट करते हुए नौ दिन तक हम माँ शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, और इसीलिए सिर्फ नौ दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है, गरबा खेला जाता है और माँ की पूजा की जाती है। अब इसी के रिलेटेड एक और कारण भी है जिसकी वजह से सिर्फ नौ दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है। अब वो कारण क्या है वो आपको बताना है कॉमेंट में, बहुत ईजी है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर कमेंट में जरूर बताना, मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन बहुत ज़्यादा होशियार है। अब इसको तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि गणेश चतुर्थी के अंदर गणपति बप्पा की सिर्फ एक मूर्ति क्यों नहीं बैठाई जाती, एक से ज़्यादा, आपने देखा होगा कि सिर्फ एक तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर उसको जानना है तो फिर आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, अभी आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो भाई, आपका दिमाग घूम हो जाएगा कि भाई क्या कारण थे भाई इसे, क्या। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इच्छा हो तो फिर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स नए नए जानने को मिलते रहते हैं आपको। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, रोनी ऑफिस।